हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने जो एक लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, मैंने उसमें बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में बताया था, एक्सप्लेन करा था कि ये क्या है क्या नहीं। वो इन्फॉर्मेशन तब की थी जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं आई थी, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी। अब जो मतलब कि सोशल मीडिया पर चल रही थी बॉयज़ लॉकर रूम के बाद, अब जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, उसके रिजल्ट सामने आए हैं, तब ये पता चला है कि वो बॉयज़ लॉकर रूम इंस्टाग्राम का चैट ग्रुप है ही नहीं, वो स्नैपचैट का एक ग्रुप है। और उस पर जो भी बातें वगैरह हुई, उसमें जो न्यूडिटी वगैरह ये सारी वाली बातें हैं, वो खुद एक लड़की ने करी है। उस ग्रुप की एडमिन एक लड़की है, वो लड़कों को टेस्ट कर रही थी। सो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है लड़कों को ट्रोल करके, बॉयज़ लॉकर रूम के नाम पे लड़कों को गालियाँ देकर, उन इनोसेंट लड़कों को गालियाँ देकर कैसा लग रहा है आपको? सोशल मीडिया के जज बनकर, वकील बनकर, और अपनी दलील और अपना रिजल्ट खुद देकर कैसा लग रहा है आपको? मैं बताती हूँ आपको कैसा लग रहा है। आपको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा खुशी कि आपके उस झूठे स्क्रीनशॉट्स के कारण, आपके दबादब शेयर करने के कारण, इधर उधर इन स्क्रीनशॉट्स को बिना ये जाने कि वो स्क्रीनशॉट सच्चे भी हैं या नहीं, आपने बस शेयर किया और एक 19 साल के लड़के मानव सिंह को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। आपने शेयर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि क्या वो स्क्रीनशॉट्स असली भी हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मैंने उन सब की स्टोरीज़ देखी, सब बहुत दबा के, इवन मेरे क्लासमेट्स, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर किया अपनी स्टोरी पर लगा के, एज अ फेमिनिस्ट, सॉरी फेमिनिस्ट नहीं, मैंने गलत बोल दिया, फेक फेमिनिस्ट। लेकिन जिन जिन लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे इन सब चीज़ों को शेयर किया, क्या उसने एक बार भी उन स्क्रीनशॉट्स की ऑथेंटिसिटी को जांचने की कोशिश करी, एक बार भी ये पता लगाने की कोशिश करी कि क्या वो स्क्रीनशॉट्स सच्चे हैं, उनके पीछे क्या स्टोरी है, या उस लड़के मानव सिंह पे जो मोलेस्टेशन, फ्यूचर रेपिस्ट के एलिगेशन लग रहे हैं, क्या आपने उस लड़के से बात करी एक बार भी? क्योंकि जो इंसान का बिहेवियर होता है, वो बात करने से पता चल जाता है। आप, आई एम श्योर, आप लोगों ने जिन लोगों ने शेयर करा होगा, उन्होंने पता लगाया होगा ना कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है बुरा है। आई एम श्योर आप लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि किसी के कहने पर सिर्फ स्क्रीन शॉट्स को शेयर करते जाएंगे बिना उसकी असलियत पता लगाने के लिए। करा नहीं करा, किसी ने नहीं करा। उस लड़के ने जो सुसाइड किया है ना, उसमें जितनी उस लड़की की गलती है जिसने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, उससे ज़्यादा लड़की उन लोगों की है जिन लोगों ने बिना जांच पड़ताल बस अंधाधुंध इस ट्रेंड में अपने हाथ धोए और सिर्फ स्क्रीनशॉट्स को हर जगह अपनी स्टोरी पर शेयर करते गए और उस लड़के के इनबॉक्स में जाके उसको गालियाँ दी, तू रेपिस्ट है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये सब करा और उस लड़के को मजबूर कर दिया, उसको मेंटल ट्रॉमा दे दिया कि वो सुसाइड कर ले। आपके एक गलत शेयर के कारण, आपके एक गलत चीज़ को सपोर्ट करने के कारण एक लड़के की जान चली गई। आप और मैं उसकी जान लाकर नहीं दे सकते। प्लीज़ सोशल मीडिया के जज और वकील मत बनिए, जो रियल के जज और वकील और पुलिस से उनको उनका काम करने दीजिए। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जब बॉयज़ लॉकर रूम की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब तो सब बड़ा एक्टिविस्ट बन रहे थे, एक्टिविज्म दिखा रहे थे, लड़कियों के लिए लड़ रहे थे, लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब कहाँ गए? अब तो सच्चाई पता चल गई कि वो झूठ था, सब झूठ था। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो बड़ी बड़ी पोइट्री लिख रहे थे, शायरियाँ लिख रहे थे, उन लड़कों को गाली दे रहे थे, लड़कों की जाति को गाली दे रहे थे, अब सॉरी मांगने के लिए क्यों नहीं आए? क्यों नहीं एक मिनट का भी वीडियो बनाकर, एक मिनट की भी पोइट्री लिखकर उन लड़कों से माफ़ी मांगी? क्यों नहीं मांग रहे माफ़ी? गाली देने के वक्त तो सब आ गए थे, सब उनको गालियाँ दे रहे थे। अब जब सच पता चला है कि उनमें उनकी गलती नहीं थी, तो सॉरी कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, आप और मैं बोलेंगे, जिसके कारण ये हुआ है। जब ये सब चल रहा था, मैं अपने इंस्टाग्राम पे देखती, सब शेयर कर रहे थे, मेरा मन ना
तब भी नहीं माना। मैंने कहा बिना बिना जाने, आप किसी को जानते नहीं, आप उस लड़के को नहीं जानते, वो लड़की किसी के कहने पर आप किसी पे किसी की भी बात मान लोगे? कोई आपको कल को आके कहेगा तेरा भाई ये है, तेरी बहन ये है, आप मान लोगे? आप प्रूफ मांगोगे, आप तो लड़ोगे, आप तो सामने वाले को ही मार डालोगे। तो ये भी सोचते ना कि वो लड़का वो लड़के भी किसी के भाई है, किसी के बेटे हैं। इतना ज़्यादा फेक फेमिनिज्म इंडिया में अच्छा नहीं है। और ये जो फेमिनिस्ट का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना इंडिया में, वो एक दिन आपको मुझे सबको ले डूबेगा। मैं आपको बताती हूँ ये फेमिनिज्म ये कौन चलाता है। ये जो एलीट क्लब के लोग हैं ना, बड़े बड़े अमीर, जिनके पास रियलिटी में सब कुछ है, इक्वलिटी है, पैसा है, शौहरत है, सब कुछ है, सिर्फ वही ये फेमिनिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं। आप और मेरे जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को इतने बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए फेमिनिज़म से। अगर रियल फेमिनिज़म जानना है ना क्या होता है और किसे ज़रूरत है रियल फेमिनिज़म की, तो गांव की जाके उन लड़कियों को देखो जो 5-10 किलोमीटर दूर पैदल चल के एक मटका पानी लेकर आती है। अगर सच में लड़कियों के लिए कुछ करना है ना, तो गांव में जाके उन लड़कियों के लिए वहाँ पे पानी की व्यवस्था करवाओ। लड़कियों को बताओ सैनिटरी पैड्स क्या होते हैं, लड़कियों को पता तक नहीं है गाँव में कि सैनिटरी पैड्स होते क्या हैं। फेमिनिज़म ना दारू शराब सेक्स वैक्स ये सब नहीं है, ठीक है। सच में फेमिनिज़म लड़कियों को बनाना है, सच में लड़कियों के लिए कुछ करना है, महिला सशक्तिकरण करना है, तो उन्हें एजुकेट करो। और रही बात लॉ की, हमारे लॉ ने बहुत कानून दिए लड़कियों को, हद से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा, लड़कों से ऊपर ही रख के कानून दिए। और मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगी, फेक फेमिनिस्ट लड़कियों से, इतनी ना अपनी फीमेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ना किसी लड़के के साथ ऐसा मत करो। तुम्हारे कारण दूसरी लड़कियां जो सच में भोली होती हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता, उनको भी उसी नज़र से देखा जा सकता है। और इंडियन, मैं जब से सोशल मीडिया पे आई हूँ, इंटरनेट से मैं ज़्यादा मैं यूज़ करने लगी हूँ, सच कह रही हूँ, दोनों साइड देख लिए मैंने फेमिनिज़म का, एक रियल फेमिनिज़म जो होता है वो भी, और एक जो फेक फेमिनिज़म होता है वो भी। ये फेक फेमिनिज़म आपके सो कॉल्ड सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ फैलाते, जिनका तकलीफ दुख दर्द से दूर दूर का नाता नहीं होता है। तो प्लीज़ बजाय उनको फॉलो करने के लिए अपना ब्रेन यूज़ करो, और किसी भी चीज़ में किसी भी ट्रेंड में यूं ही अंधों की तरह मत भागो। जो हीरोगिरी बनने का शौक होता है ना कि हम तो हीरो बनेंगे, यस हम आवाज़ उठाएंगे इस लड़की के लिए, जान तो लो सच क्या है। तुम्हारी इस हीरोगिरी के कारण एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है। कोई सॉरी क्यों नहीं बोल रहा है यार, कोई सॉरी क्यों नहीं बोल रहा है। मैं चाहती हूँ अब आप बारी है आपको उन लोगों को टारगेट करने की, जिन लोगों ने उन लड़कों को, उस लड़के को ट्रोल किया और जिसके कारण वो मर गया। अब क्यों नहीं कोई हैशटैग चला रहा है, हैशटैग चलाइए से सॉरी, उन सबको टैग कीजिए जिन लोगों ने उन लड़कों को टारगेट किया, करिए ना। अब ये ह्यूमैनिटी नहीं है? उस वक्त बड़ी ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं कि तुम मर्द कहना ले नायक नहीं हो, मर्द के नाम पे कलंक हो, ये हो यो हो, बच्चे खेल और गुड़ियों से खेलने की उम्र में तुम औरतों के जिस्म से खेल रहे हो। भाई तुझे पता नहीं है, मैंने खुद इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट देखे, मैंने नाम कुछ कमेंट वगैरह नहीं करा, क्योंकि यार सच जब पता नहीं है, बिना सच जाने तुम किसी को कैसे जज कर सकते हो, वो भी इस फ़ोन पे, इस इंटरनेट की दुनिया में जहाँ किसी का अपना असली नाम नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है चैट और स्क्रीनशॉट्स असली होंगे, बातें असली होंगी? या मैं बस इतना कहूँगी, अपना ब्रेन यूज़ करो और भगवान मानव की आत्मा को शांति दे। उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उन लड़कियों को सज़ा मिलेगी, उस लड़की को सज़ा मिलेगी, और बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये सब सच होता तो जितनी कड़ी सज़ा उन लड़कों को मिलने वाली थी ना, उतनी ही कड़ी सज़ा उन लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वालिटी। अगर लड़के को 2 थप्पड़ लगेगा उसी गलती के लिए, तो लड़की को भी लगना चाहिए, दैट इज़ इक्वालिटी। अगर सच में इक्वालिटी के लिए स्टैंड लेते हो ना, तो इस वीडियो को शेयर करो, और उन लोगों को शेयर करना जिनने उन लड़कों को ट्रोल किया था, उन लड़कों को भरा बुला बोला, और उनसे कहो कि सॉरी बोले। अब उन लड़कों को बोले, क्यों नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, फॉलोअर्स चले जाएंगे ना जो उन्होंने कमाए हैं प्रोपेगेंडा से। यार यूज़ योर ब्रेन, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं सच में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ, हर एक की फीलिंग को हर्ट करना चाहती हूँ जिनके कारण ये सब हुआ है, जिन्होंने बस शेयर कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह वगैरह बिना कुछ सच जाने। यार यूज़ योर ब्रेन,
सच में फेमिनिज्म इज़ अ कैंसर इन इंडिया, और फेमिनिज्म तो है ही नहीं, फेक फेमिनिज्म है। और फेमिनिज्म की बातें वो औरतें करती हैं जिनकी खुद की लाइफ स्टाइल एकदम लैविश है, ठीक है, उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का, रियल में औरतों की प्रॉब्लम का कोई अंदाज़ा नहीं है। ज़रा ग्राउंड लेवल पे आके पूछो एक किसी औरत से, उसको मतलब तक नहीं पता होगा फेमिनिज्म का। आप जैसे और मेरे जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड वाले लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, हमें बस नॉर्मल एजुकेशन मिल जाए, अच्छी लाइफ मिल जाए, इज्जत की लाइफ मिल जाए, उतना ही काफ़ी है। ये फेमिनिज्म के बड़े बड़े चोचले नहीं चाहिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर प्लीज़ मच।